जब जब बड़े पर्दे पर हुई पाकिस्तानी की पिटाई, तब तब दहल उठा बॉक्स ऑफिस। एक हीरो ने 3 बार अंधाधुन छाप डाले नोट। भारत में देशभक्ति फिल्मों को लेकर एक अलग ही क्रेज है। खासकर भारत पाकिस्तान पर बनी फिल्मों को देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर लोगों की लाइन लग जाती है। आज हम आपको ऐसी 5 फिल्मों के नाम बताते हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है। सनी देओल की मोस्ट पॉपुलर फिल्म बॉर्डर साल 1997 में रिलीज हुई थी। जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी ये मूवी भारत पाकिस्तान के बीच 1971 वॉर पर आधारित थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक बॉर्डर को 10 करोड़ के बजट में बनाया गया था और दुनिया भर में फिल्म ने 65 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। साल 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा सनी देओल की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी। गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल ने तारा सिंह बनकर जमकर तहलका मचाया था। सनी देओल की ये फिल्म 19 करोड़ में बनी थी और वर्ल्ड वाइड फिल्म की कमाई 133 करोड़ रुपए की हुई थी। विक्की कौशल की देशभक्ति से लबरेज फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक साल 2019 में रिलीज हुई थी। इसमें विक्की कौशल ने मेजर विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म की कहानी पाकिस्तान आतंकवादियों को उरी हमले का जवाब देने पर आधारित थी। सनी देओल की साल 2023 में रिलीज हुई गदर 2 चर्चा में रही। ये मूवी गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर बवाल काटा था। सनी देओल की गदर 2 ने दुनिया भर में 691 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जबकि फिल्म का बजट सिर्फ 65 करोड़ था। ऋतिक रोशन की एरियल एक्शन फिल्म फाइटर साल 2024 में रिलीज हुई। ये फिल्म भी भारत पाकिस्तान ड्रॉप भी बनी थी। फिल्म में दिखाया गया कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने कैसे पाकिस्तान से बदला लिया था। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल 337 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। ऐसी ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।